चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण छोटा वीडियो आपको देने जा रहा हूं। आप लोगों की जो निरंतर रिक्वेस्ट आ रही हैं, डेली सैकड़ों रिक्वेस्ट आती हैं, बंगाल के बारे में अपडेट देते रहिए, रोज एक वीडियो दीजिए। इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि एक बार जो कैलकुलेशन दे दिया है वो कैलकुलेशन डेली चेंज नहीं होता है। फिर भी जब जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको जरूर वीडियो देता रहूंगा। ये छोटा वीडियो इसीलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि कुछ नया दिखा मुझे, इसलिए मैं आपको ये महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को पुश कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा क्या खास है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं? आज 6 मार्च है, 6 मार्च 2021, और इस समय 7:30 बजे हैं शाम के, और मैं आपको अब ये वीडियो दे रहा हूं जिसमें आपको ये महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं कि मैंने जो विवेचन दिया था अब उस विवेचन की सत्यता आपको नजर आने लगेगी। कल से 7 मार्च टाइम शुरू हो रहा है आज से, कल से आप देखोगे कि पूरी तरह से, चाहे वो न्यूज चैनल्स थे, चाहे राजनीतिक पंडित, चाहे एस्ट्रोलॉजर्स, या फिर जो सट्टा बाजार, ये सभी आप देखेंगे कि अपने अपने जो सर्वेज हैं, अपने जो स्टडीज हैं, उनको एक तरह से रिव्यू करेंगे, और उसमें आप देखेंगे कि बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो वर्टिकल इस तरह से राइज हो रहा है। अभी तक आपने देखा होगा कोई बीजेपी को 70 सीट दे रहा था, कोई 80 दे रहा था, कोई 100 दे रहा था, कोई 105 दे रहा था, इससे आगे कोई नहीं दे रहा था, बहुत कम लोग दे रहे थे। तो इसका अर्थ यह हो गया कि अब यह वर्टिकल बढ़ने वाला है, कल से यह टाइम शुरू हो रहा है। पूरा बंगाल आपको दिखेगा एक परिवर्तन के माहौल में, वहां के लोगों में एक अजीब तरह की परिवर्तन की ललक दिखाई देगी, वहां पर आपको सब कुछ भगवा दिखाई देगा, वहां टीएमसी में आपस में कंफ्रंटेशन दिखाई देगा, आपस के ही नेता आपस में लड़ेंगे, वहां पर अभी और कई झटके ममता बनर्जी को लगने वाले हैं। मैं ये आज नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि अभी घटनाएं घटित हो रही इसलिए ये आपको बता रहा हूं, 2 साल पहले से ही लगातार कह रहा हूं कि क्या क्या होगा, कि दीदी अकेली पड़ जाएगी, उसके अपने भी उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे, और तब बीजेपी की परिस्थिति जो है वो काफी अच्छी होने वाली है। मैं बीजेपी के बारे में 171 सीट दे चुका हूं, क्यों? क्योंकि उसका जो मेरा कैलकुलेशन होता है वो एक अलग आधार होता है, और उस आधार पे मैंने उसका कैलकुलेशन आज नहीं, कई महीने पहले बना के रख दिया था, और हमारा वीडियो भी अपलोडेड है। बाकी पार्टीज का भी मैं आपको 14 मार्च के बाद देने वाला हूं कि अलग अलग पार्टीज की क्या स्थिति वहां पर रहने वाली है। तो कल से आप देखोगे कि वहां परिवर्तन बहुत तेजी से होगा, जिसको कहते हो 100 वोल्ट का झटका और फिर 440 वोल्ट का, तो अब शुरू होने वाला है 440। आप यहां से देखोगे बहुत तेज चीजें बदलेंगी, बहुत फास्ट बदलेंगी, और जितने भी सर्वेज हैं उनमें आपको परिवर्तन आता नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, आगे क्या होगा आप खुद देखते जाइए, और जो मैंने आपको विवेचन दिया है उसमें कितने परसेंट का आपको मार्जिन रखना है वो आपका विजडम, क्योंकि कई लोगों ने हमसे पूछा है कि इसमें प्लस माइनस क्या है। तो दुनिया की कोई भी सर्वे एजेंसी हो, कोई भी हो, 10% का तो सभी लोग रखते हैं। अब कितना, हमने कुछ भी नहीं बोला था कि इतना आपको प्लस माइनस रखना है, रिजल्ट आएंगे अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 171 171 सीट में बता चुका हूं, और कल से और परिवर्तन होने वाला है, और भी वहां पर ऐसी कुछ चीजें घटित होने वाली हैं जो शायद अभी आप नहीं सोच पा रहे होंगे। ये जो मैं आज आपको बता रहा हूं ये आज का परिणाम नहीं है, ये 1.5 से 2 साल पहले ही मैंने बताया था कि आगे बंगाल में क्या होने वाला है, कितनी हिंसा होने वाली है, कितनी मौतें होने वाली हैं, कितनी दिक्कतें होने वाली हैं, और लास्ट में रिजल्ट क्या होने वाला है, वो सब कुछ वैसा ही घटित हो रहा है। आज से क्या होने वाला है वो अब बता रहा हूं आपको, कि आज से वहां पर बहुत तेज बयार बहने वाली है, बहुत तेज वायु हवा बहने वाली है,
बीजेपी के पक्ष में, वहां के व्यक्ति, वहां के लोग ये महसूस करेंगे कि हमें तो हर हालत में परिवर्तन कराना है, परिवर्तन चाहिए। और ये आपको अब नजर आने लगेगा सभी तरह के आकलन जो आएंगे आगे के उनमें। तो फ्रेंड्स, आज 6 मार्च है, नोट कर लीजिए आप। ये अभी जो हमारा 6 मार्च से आगे का टाइम आने वाला है, ये बहुत फास्ट यहां पर इवेंट्स आपको घटित होंगी, बहुत तेज आप देखेंगे कि जो परिवर्तन हो रहे हैं, पीछे जो जो हुआ है वो भी उसी क्रम में था, जब वो सब कुछ घटित हुआ है तो जो आगे है उसी क्रम में घटित होने वाला है। इसका मतलब है कि हाँ, डिस्टर्बेंसेज होंगे अनडाउटेडली, लोग मारे जाएंगे अनडाउटेडली, कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसे अनटॉवर्ड एक्सीडेंट होंगे, कुछ ऐसे अनटॉवर्ड चीजें की जाएंगी जिनकी अभी कोई आशा नहीं होगी किसी को, शायद मैं वो भी आपको आगे बता पाऊं। इस तरह से घटनाएं घटित होने वाली हैं वहां पर, और लास्ट में जो परिस्थितियां हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अलग अलग दलों के भी मैं आपको 14 मार्च के बाद दूंगा, जैसा कि बता दिया, विवेचन आपको बताऊंगा कि ये फाइनल स्थिति वहां पर रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मुझे इसीलिए आपको देना था क्योंकि आज से मैंने लगातार आपको दे रहा हूं बंगाल के बारे में, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, आज से बता रहा हूं कि अब बहुत फास्ट चीन, जिसको आप कहते हो 5th गियर, वहां पर जाने वाली परिस्थिति आ गई है। और अब जो है, जिस जब टेक ऑफ करता है ना, तो उस समय की परिस्थिति जो होती है, जब स्पीड होती है, वही परिस्थिति अब बीजेपी की शुरू हो रही है। कई लीडर्स टीएमसी को अभी भी छोड़ के आएंगे, टीएमसी में आपस में द्वंद होगा, कई परेशानियां टीएमसी में अभी और आएंगी, और क्या होगा, ममता बनर्जी हारेंगी या जीतेंगी खुद स्वयं चुनाव, ये भी मैं विवेचन करूंगा, क्योंकि दूसरी सीट फाइनल होने दीजिए, कौन उनके सामने लड़ने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ओवरऑल बंगाल की स्थिति क्या रहने वाली है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्दी ही आपको देने वाला हूं, आप जुड़े रहिए। और अभी तक अगर जाते जाते चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइए, और आगे की वीडियोस देखते रहिए, जिसमें कि मैं आपको आगे क्या घटित होगा पहले ही बताने का प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो आपने देखा, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्कार।